अब इनका ये कहना है कि भाई एक तो ग्रुप में नमाज अदा की जाती है जुमे की, और दूसरा इमाम होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में बताइए, ये जैसा कह रहे हैं कि वहाँ पर सही में दिक्कत है और इसीलिए इस तरह के सार्वजनिक स्थल चुने जा रहे हैं, तो परेशानी किस बात को लेकर है? आप लोगों को क्या दिक्कत है? श्वेता, ना तो हमें दिक्कत थी इनके धर्म से, इनकी नमाज से, ना किसी और को। जिस प्रकार से इन लोगों ने गुड़गांव के अंदर आतंक मचाया हुआ है, कानून व्यवस्था को खराब किया हुआ है, इनको, इनकी मस्जिदें हैं, इनकी वक्फ बोर्ड की करीब 200 प्रॉपर्टीज हैं, ये उनको छोड़कर जबरदस्ती सड़कों पर और पार्कों पे जो जो RWA है, उनके विरोध के बाद यहाँ के लोगों ने, जागरूक लोगों ने, यहाँ की संस्थाओं ने इनका ऑब्जेक्शन किया। सरकार ने सीधी सीधी एक बात कही है, गृह मंत्री हरियाणा ने, मुख्यमंत्री हरियाणा ने स्पष्ट तौर पर कहा है, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप परमिशन लीजिएगा, अनुमति लीजिएगा। अगर हिंदू धर्म में भी कोई जागरण करता है, कोई कार्यक्रम करता है, तो उसका अनुमति लेता है। हमने सीधी सीधी दो बातें इनसे कही है कि आपका धर्म क्या कहता है आप जानो, परंतु हम एक बात कहते हैं, कानून का पालन करना आपका, हमारा सबका दायित्व है। गुड़गांव के अंदर अनेकों अनेक जगहों पर इन लोगों ने कब्जे कर लिए, ये खुले में नमाज पढ़ पढ़ के, इन्होंने कई जगह है गुड़गांव में जिनके, मैं अगर मैं न्यू कॉलोनी मोड़ के पास कहूं, मैं सेक्टर 37 में कहूं, या कई सेक्टर 12 में कहूं, इन्होंने कई जगह पर यहां पर ऐसी ऐसी जगहों पर कब्जे करके वहां पर अवैध मस्जिदें बना ली हैं। इनका मकसद कुछ और है, ये जो शोएब साहब कह रहे हैं ना, ये इनके अपने धर्म की जानकारी दे रहे हैं, परंतु गुड़गांव की वास्तविकता ये है कि बाहरी लोग आकर वहां पर अशांति फैला रहे हैं।